हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि आपके प्यार के कारण ही देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे खासे कमेंट हमें मिले हैं जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा कि किसी कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ वर्क बढ़ गया था। लेकिन चलिए, अब हम कंटिन्यू होते हैं। तो सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, लगभग जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लगभग जनवरी से, और आपका प्यार है। तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्नेह और प्यार भी दिया है। कुछ कमेंट्स है जैसे कि सर, ट्रांसफार्मर की चेकिंग की वीडियो बनाएं। तो मैं बहुत जल्दी ये वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट की है, अच्छी है या ख़राब है। और अगर आपके पास स्टेबलाइजर आए हुए हैं और उनमें ख़राबी है, तो कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफार्मर ख़राब है या रिले शॉर्ट है। उसके बाद एक कमेंट आया है कमल शर्मा जी का, ये लिखते हैं कि सर, मैनुअल 100 से 400 वोल्ट के 3 KVA का ट्रांसफार्मर का डाटा बताएँ। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द ही मैनुअल पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और बहुत जल्द ही मैं एक ऐप भी लॉन्च करूँगा जिसमें आपके सभी तरह के डाटा, फार्मूला और कनेक्शन, वायर गेज, कौन सी कोर लगेगी, सब कुछ उसमें आपको इंक्लूड रहेगा। तो मैं बहुत जल्द उसका, अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द ही हो जाएगा। उसके बाद एक कुलदीप मौर्या ने कमेंट किया है कि सर, मैं साक्षी कंट्रोल यूज करता हूँ, साक्षी कंट्रोलर यानी कि साक्षी की किट यूज करते हैं, और सर इसमें एक दिक्कत आती है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर 1-2 दिन तो ठीक चलता है, उसके बाद वोल्टेज का आउटपुट बंद हो जाता है या आउटपुट नहीं देता है, लो वोल्ट निकालता है, लो वोल्ट दिखाता है। तो सर, इसमें ट्रिगर डाला हूँ 22 वोल्ट, इसमें क्या दिक्कत आती है। तो सर, आपको ये बताना होगा कि आप साक्षी में कौन सी किट यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि साक्षी की जो किट है, मैंने बहुत सालों से यूज किया है, और अब भी मैं कई तरह की कंपनियों का यूज करता हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। हो सकता है कि आपकी जो कंट्रोलर है उसमें आप रिले की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कभी कभी रिले की प्रॉब्लम न्यू रिले में भी प्रॉब्लम आती है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किट चेंज कर भी देख सकते हैं, हो सकता है कि नई किट में भी किसी में ये प्रॉब्लम आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप पहले किट बदल कर देख लीजिए, उसके बाद अन्यथा आप इनपुट रिले, अगर आपकी LED लाइट जो है मेन्स स्टेबलाइजर की, अगर LED लाइट नहीं जलती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रिले चेंज कर सकते हैं या फिर किट चेंज कर सकते हैं। अगर रिले चेंज करना हो तो इनपुट के कीजिएगा, अगर लाइट जल रही है और जैसे आप लाइट देते हैं खटपट की आवाज़ भी करती है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आप टाइमर वाले रिले को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट आया है, सर, 90 से 440 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर 20 KVA एंड 25 KVA का डाटा बताएँ, बॉबिन और कोर कौन सा लगेगा। तो सर, मैं अभी तक मैं 20 KVA तक का ही स्टेबलाइजर बनाया हुआ हूँ, और उसे मैं सेल करता हूँ। तो मैं 20 का वीडियो बहुत जल्द 15 और 20 का वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन 25 के लिए मैंने अभी नहीं बनाया है। तो मैं जो नहीं बनाता हूँ उसको मैं नहीं सजेशन देता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद किया है। अभी तक आपने जो वीडियो भी देखे हैं, चाहे टेक्निकल हो या फिर मैकेनिकल हो, जो भी हो, तो उसमें सब मैं अपने अनुभव के अनुसार, अपने साथ जो गुजरा है उसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कि एक कमेंट आया हुआ है सर, कि जीनियस 800 भी इन्वर्टर बैटरी मोड में आउटपुट 70 से 75 वोल्ट मिल रहा है, और 2 सेकेंड बाद दो सेकेंड बाद 0 हो रहा है, फिर 70-75, फिर 0। तो सर, मॉस्फेट ड्राइवर कार्ड कंट्रोलर सब चेंज करने से भी प्रॉब्लम सेम टू सेम बना हुआ है। तो सर, इसमें आप जो मेन प्रॉब्लम है आपकी, ये मॉस्फेट
जो है मॉस्फेट कंट्रोलर कार्ड, अधिकांश ये फॉल्ट उसी से होती है। अगर वहाँ से अगर आपका ठीक है तो आप आउटपुट विभाग में देख सकते हैं कि जो मॉस्फेट ड्राइवर है वहाँ पर आप चारों उसके गेट हैं चारों ड्राइवर की, तो उन ड्राइवर पर आप वोल्ट माप सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस में वोल्ट कम है, क्योंकि अगर वोल्ट कम होगा तो ही आपको 70 से 75 वोल्ट मिलेगा, अन्यथा या फिर कोई एक चैनल नहीं काम कर रहा होगा तो भी आपका ये काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप ड्राइव वोल्ट माप ले, उसके बाद ही आगे प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आपका प्यार काफ़ी मिला हुआ है मुझे। उसके बाद एक लिख रहे हैं कुलदीप मौर्य, यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि सर मैं 5 KVA स्टेबलाइजर बनाता हूँ, सर इसमें ये दिक्कत आती है कि कभी कभी लो वोल्टेज कभी हाई वोल्टेज दिखा रहा है। साक्षी माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है और इसमें 20 टर्न डाला हूँ। तो सर सबसे बड़ी बात है कि आप 20 टर्न आप डाले हैं सिर्फ रिले ऑपरेटिंग के लिए, तो इसमें आपकी जो प्राइमरी है कौन सी टर्न वाली है, 125 की 165 या किस कोर में बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर 125 टर्न वाले में अगर आपने 20 टर्न डाला है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा। अगर काम नहीं कर रहा है, जैसे कभी लो कभी हाई वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये आपकी किट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि किट में कोई किट में प्रीसेट की ये प्रॉब्लम होती हो तो ये प्रॉब्लम होता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि बहुत जल्द आप देख सकते हैं। उसके बाद एक आया दानिश अंसारी जी का कि सर इन्वर्टर का सिस्टमेटिक डायग्राम बनाएं प्लीज। तो मैं बहुत जल्द ही इन्वर्टर के लिए सिस्टमेटिक डायग्राम बनाऊंगा और जो साइन वेव है या फिर स्क्वायर वेव है और माइक्रोटेक और सुकम इत्यादि की मैं कोशिश करूंगा, तो मैं बहुत जल्द ही आपको कुछ डायग्राम बना कर दूंगा। और उसके बाद प्रशांत जी है कि ये भी काफ़ी तारीफ़ किए हुए हैं, तो ये बात बहुत अच्छी तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप थैंक्स का जवाब या फिर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो सर सभी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लगभग समय नहीं मिल पाता है, वो समय के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद यहाँ राहुल पटेल जी गुजरात से लिखते हैं कि मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं क्या सोचूंगा, जब भी आएगी तो मैं बैक कर लूँगा। तो सर ये थोड़ी सी अटपटी लिखी हुई है, थोड़ी सी प्रॉब्लम पढ़ने में, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उसके बाद मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप ऐसे ही कमेंट लिखते रहे ताकि हम उससे रिलेटेड कुछ ही वीडियो बना सके आपको जानने के लिए। और उसके बाद जैसे कि एक लिखा हुआ है, दीपक जी लिखे हुए हैं, सर मेरे पास समरसेबुल 2 HP का है और घर में दिनों तक 80 से 90 लो वोल्ट होता है, तो स्टेबलाइजर से चल सकता है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि अगर आपके पास 2 HP का जो समरसेबल है इसे आप कोई भी लो वोल्टेज पर आप नहीं चला सकते। हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि डबल फेज के स्टेबलाइजर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि जो 80 से 90 वोल्टेज लो है तो अगर आप और लोड दीजिएगा तो और ये बैक करेगा, क्योंकि लो वोल्टेज की एम्पियर कम होती है और एम्पियर कम होने के कारण वो लोड नहीं लेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके पास अगर डबल फेज का जुगाड़ है तो आप डबल फेज का यूज कर सकते हैं और डबल फेज के स्टेबलाइजर बनाकर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 80 से 90 है तो अगर दो आपको फेज मिलेंगे तो लगभग आपको 200 वोल्टेज के आसपास पहुंच जाएगा, तो आपका चल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगे होगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने अपने राय देते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।